हे हेलो गाइस, दिस इज सूरज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा एक फेस पैक के बारे में जिसका नाम है क्रामेन की D10 फेस पैक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसके बारे में सारे डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्रामेन की D10 फेस पैक के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं, जैसे कि इसके पैकेजिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर में आती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्क्रब और क्लींजर के बारे में बताया है, सेम वैसी पैकेजिंग आती है। और इसकी प्राइस है लगभग 375 रुपीज में आती है, लेकिन आपको ये 350 और 340 में मिल जाएगा। अमेजोन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर उसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लींजर लगाने के बाद, स्क्रब लगाने के बाद, अगर आप फेस पैक भी लगाते हैं, तो अगर आप वो दोनों लगाने के बाद इसे लगाते हैं, फेस पैक को लगाते हैं, तो जितने भी बचे हुए डेड स्किन सेल्स हैं, जितने भी थोड़े से टैन बच गए हैं, वो पूरे कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। और आपके फेस पर पिंपल्स के प्रॉब्लम है, वो भी रिमूव हो जाते हैं। जितने भी डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी के क्रामेन के प्रोडक्ट्स की तरह इसमें भी कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि सल्फेट होता है, पैराबिन होता है, मिनरल ऑयल होता है, और बिल्कुल इसमें नहीं है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है, लेकिन थोड़ी सी केमिकल्स है और बिल्कुल भी आपके फेस को हार्म नहीं करती है, बल्कि आपके फेस पर जितने भी टैन होंगे रिमूव करने में कम्प्लीटली मदद करती है। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे लगा के दिखाता हूँ इसे कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको लेने हैं थोड़े से फेस पैक। ये जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होता है, जैसे वैसी ही रहती है। आप इसके क्रीम देख सकते हैं, थोड़ी सी आपको लेना है और इवनली आपके फेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। धीरे धीरे से आप इसे लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेस पैक लगाने के लिए सैलून जाते हैं, तो इस सैलून में इजीली 500 to 600 rupees इजीली ले लेते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है। उससे अच्छा आप एक बार फेस पैक खरीद लीजिए और इसे रेगुलरली यूज़ कीजिए। एक महीने तक चलता है, हफ्ते में इसे दो बार यूज़ कर सकते हैं इजीली। फोर टू फाइव वीक्स तक ये ईजिली आ जाता है, तो काफ़ी पैसा वसूल है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से आपको फेस पर लगा लीजिए इवनली। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे 5 to 6 minutes तक इसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। सूखने के बाद इसे ठंडे वाटर से अच्छी तरह से धो लीजिए, और धोने के बाद आपको फर्क पता चलेगा कि आपके फेस पर जितने भी सनटैन थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है और ये आपके फेस को ग्लो करने में भी मदद करती है। तो फ्रेंड्स, सूखने तक मैं इंतजार करता हूँ और इसके बाद मैं वॉश करके आता हूँ। वॉश करने के बाद आपको इसके फर्क आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ धो के और अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्लो आ रही है मेरे फेस में इसे यूज़ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंटली नहीं रहता है, कम्प्लीटली रहता है आपके फेस पर। आप जब तक धूप में फिर से नहीं जाते हैं, तब तक आपके फेस को ग्लो करता है। तो अगर आप फिर से धूप में जाएंगे, तो आपके फेस पर फिर से टैन आ जाता है। तो इससे अच्छा आप घर पे रहिए। आप जब भी बाहर जाते हैं, तो एक आपके फेस को कवर कर लीजिए, व्हाइट कर्चीफ से कवर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके फेस पर टैन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसे लगाने का तरीका। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये फेस पैक चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाके इसे परचेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना। और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी स्टाइलिश एंड टेक केयर।